रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला मिठाई का डब्बा लेकर संध्या के घर जाती है और संध्या को मिठाई खिलाने लगती है। अरे बस कर, और अब ये बता कि आखिर ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है तू? मेरी बहू के लड़का हुआ है, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मिठाई से ही काम चलाएगी या कुछ और भी खिलाएगी? आज शाम को मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, तू भी अपने पूरे परिवार के साथ आइयो। पता नहीं कब मेरी बहू ये खुशखबरी सुनाएगी, मेरे तो कान तरस गए हैं इस खुशखबरी को सुनने के लिए। संध्या तू मेरी बात का बुरा मत मानियो, लेकिन कभी कभी लोगों की दुआएं भी असर कर जाती हैं। तूने तो अपने बेटे की शादी का किसी को लड्डू तक नहीं खिलाया, यहाँ तक कि तूने किन्नरों को भी खाली हाथ वापस लौटा दिया। वो तो गलत था ना, इतनी कंजूसी करना भी ठीक नहीं होता है ना। अच्छा ठीक है, अगर मेरी बहू ने मुझे दादी बनने की खुशी दे दी तो मैं पूरे मोहल्ले में 56 भोग के दावत करवाऊंगी। अब बस मेरी बहू के हाथ में है मेरा दादी बनने का सुख। चल अब तू भी इतनी चिंता भी मत कर, आज नहीं तो कल तुझे ये खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा तो तुझे बस मेरे घर में ही मिठाई बांटनी है या और सबके यहाँ भी बांटने जाएगी? वैसे अगर नहीं जाना है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है ये मिठाई लेने में। अरे हाँ, मैं तो तुझसे बातों में ही ऐसे लग गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे और भी बाकी घरों में जाना है। अच्छा चल मैं चलती हूँ, तुझसे फुर्सत में बात करने आऊंगी। कमला वहाँ से चली जाती है। संध्या को दादी बनना था, लेकिन उसकी बहू ने अब तक संध्या को वो सुख नहीं दिया। ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद संध्या टीवी देख रही होती है और वहीं सामने संध्या की बहू काजल पोछा लगा रही होती है। बहू तुझे पता है ना, कमला की बहू माँ बन गई है, वो भी दूसरी बार। अब तो शर्म कर ले और ये खुशखबरी मुझे भी दे दे, या इस बुढ़िया को आस में ही स्वर्ग जाना पड़ जाएगा। माँ जी आप ऐसे क्यों बातें करती हो, हर दिन एक जैसा थोड़ी ना होता है। आज जिसकी कमी आपको खल रही है, क्या पता भगवान आपको कल वो खुशियाँ दे दे, कल किसी ने थोड़ी देखा है। बहू तो जिस तरह से बोल रही है ना, उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि मैं कल तक की भी मेहमान नहीं रहूंगी। खैर अब छोड़, तुझे इतनी बार बोल चुकी हूँ लेकिन तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई, तो अब क्या आएगी। काजल अपनी सास की बात को हमेशा इसी तरह सुनती रहती। कुछ दिनों बाद काजल अपने पति संजय के साथ घूमने के लिए जाती है, तभी वहाँ अचानक से काजल को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। काजल को संजय हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पता चलता है काजल माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर तो काजल और संजय दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों अपने घर आते हैं और संध्या का आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों को अचानक से क्या हो गया, तुम दोनों मेरे आशीर्वाद क्यों ले रहे हो, सब ठीक तो है ना? माँ सब ठीक तो है, लेकिन अब बहुत खुशी की बात है। तेरा प्रमोशन हो गया है या तेरे बॉस ने तेरी तनख्वाह बढ़ा दी? माँ इन सब चीजों से भी बढ़कर कुछ होता है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि आप दादी बनने वाली हो और काजल माँ और मैं बाप। क्या, मैं दादी बनने वाली हूँ? रुक मैं पहले बहू की नजर तो उतार लूँ। हाँ माँ अब तो आप ही सब करो, आखिर आपकी इच्छा जो पूरी होने वाली है। संजय की बात सुनकर संध्या फूले नहीं समा रही थी। अब संध्या अपनी बहू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी होने नहीं देती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अब काजल के घर में हर समय रौनक ही रौनक होती है। धीरे धीरे अब काजल को गर्भवती हुए 6 महीने निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद काजल अपने कमरे में बैठकर कच्चे आम खा रही होती है, तभी वहाँ संध्या अपनी बहू के लिए काजू बादाम से बनाए हुए लड्डू लेकर आती है। बहू ये ले, ये लड्डू खा ले और तेरे बच्चे की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। नहीं माँ जी, मेरा ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे इसकी महक से ही उल्टी आ रही है। अच्छा फिर तो रहने दे, बाद में ही खा लियो। वैसे मैं सोच रही थी अगर तुझे लड़का हुआ ना तो मैं बहुत बड़ी दावत रखवाऊंगी, आसपास के सभी लोगों को बुलाऊंगी। माँ जी कुछ भी ऐसा मत बोलो जो आप कर ही ना पाओ, आप कितनी कंजूस हो, आप दावत नहीं दे पाओगी। कंजूस लोगों को भी खुशी में खुश होना आता है, आई बात समझ में? संध्या अपनी बहू की अच्छे से देखभाल कर रही होती है। काजल के 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही सुंदर से लड़के को जन्म देती है। संध्या बहुत खुश होती है जब वो अपने पोते को पहली बार अपनी गोद में लेती है। वहाँ काजल और संजय दोनों मौजूद होते हैं। माँ जी मैं क्या कहती हूँ,
कि अब हमें अपने घर में दावत रखनी चाहिए। बच्चे को बुरी बला छू भी नहीं पाएगी, इसलिए हम एक हवन भी रख लेंगे घर में। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी उस पूजा में। बहू तू ये क्या बोल रही है, अभी तो इतना सारा खर्चा हुआ है और अब दावत रखेंगे तो लुट जाएंगे। नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अपनी खुशी को खुद तक ही सीमित रखो। माँ जी, पहले तो आप बड़ी खुशी से बता रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब क्या हो गया? अब हुआ ये है कि इतना खर्चा हम लोग झेल नहीं पाएंगे, वैसे भी जो चाहिए था वो तो मिल ही गया ना, तो अब ये सब करने का क्या फायदा। संध्या इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर काजल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। संजय, अब तो आप कुछ बोलेंगे या अब भी माँ जी को ही सही कहेंगे? काजल, इस बार ना तुम पूरी तरह से सही हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए एक हवन रखवाएं और अपने करीबी लोगों के लिए दावत रखें। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम हवन करेंगे और दावत भी करेंगे, ठीक है? मैं ये भी सोच रही हूँ कि बच्चे होने की खुशी में ना क्यों ना हम सोने के सिक्के भी दे दावत में। वैसे भगवान भोलेनाथ की दया से हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो दावत रखने में क्या दिक्कत है। वैसे भी अपने ही लोग आएंगे, अपने ही लोगों को दे रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो फिर तय रहा, आप जाइए और कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए, हम उस दिन ही सोने की दावत रखेंगे। जब सारी तैयारियां हो जाएंगी ना, तो मैं माँ जी को सब बता दूंगी। काजल अपने पति के साथ मिलकर दावत का प्लान बना लेती है और कुछ दिनों बाद हवन का मुहूर्त होता है। सब नाते रिश्तेदार काजल के घर आने लगते हैं। हवन के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं, तभी संध्या के पास कमला जाती है। वाह कही संध्या, तूने तो अपनी बात को सच कर दिया, इतनी बड़ी दावत ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ, क्यों नहीं करती, अब बोला था तो ये सब करना ही था मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी खुशी में, आखिर तू दादी जो बन गई। सच में भगवान तेरी खुशी को किसी की नजर ना लगाए, और हाँ माँ बच्चा सही सलामत रहे। दोनों बात कर रहे होते तभी वहाँ पर काजल आती है और कमला को सोने का सिक्का देती है। अरे बहू, ये सोने का सिक्का क्यों, तू क्या सोने की दावत कर रही है? आंटी जी, वो मैंने और संजय जी ने पहले ही सोचा हुआ था कि हम अपने घर में दावत में आए हर परिवार के सदस्य को सोने का सिक्का जरूर देंगे, और ये आपके और आपके परिवार के लिए। बहू तेरा दिमाग फिरा हुआ है, सोने की दावत कर रही है, और तुम दोनों ने ये सब सोच कब लिया? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला और ना ही किसी ने कुछ बताया। माँ जी, मुझे पता था कि आप मना कर देती, तभी मैंने आपको बताया नहीं। बहू, दावत के लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सोने की दावत बहुत ज्यादा होती है। अरे हर किसी को सोने का सिक्का देंगे तो हमें भीख मांग कर खाना खाना पड़ेगा। माँ जी आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। संध्या, तेरी बहू की सोने की दावत में तो मजा आ गया, मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरी बहू ऐसी दावतें रोज करती रहे और हमारे घर भी सोना इकट्ठा होता रहे। संध्या की कंजूसी उसी पर भारी पड़ जाती है और उसकी बहू की सोने की दावत भी सफल हो जाती है। स्वाति का रिश्ता उसके प्यार उसके बॉयफ्रेंड संगम से फिक्स हो रहा था। 4 साल की रिलेशनशिप के बाद आज फाइनली संगम की फैमिली स्वाति के घर आई थी और रोका सेरेमनी कर रही थी। तभी अपनी होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाते हुए संगम की माँ माला स्वाति की भाभी निधि और माँ साधना से कहती है, देखिए बहन जी, हमें तो स्वाति पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन क्या है ना, शक्ल के साथ साथ हम चाहते हैं हमारी बहू में कुछ गुण भी हो। गुण की तो बात ही मत करिए आंटी जी, मेरी ननद लाखों में एक है। अरे इतनी संस्कारी लड़की तो आपको दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये तो सच कहा भाभी आपने। हाँ माँ, स्वाति स्वभाव से बहुत ही शांत और संस्कारी है। हम 4 साल से साथ हैं, लेकिन आज तक हम दोनों में कभी झगड़े नहीं हुए हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन संस्कार के साथ साथ हाथों का स्वाद भी है स्वाति बेटा तुम में। जी माँ जी, मैं सब बना लेती हूँ, मेरी भाभी ने मुझे सब बनाना सिखाया है, आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। सच में? मेरा मतलब सच में, ये सही कह रही है। ये ननद भाभी जितनी ज्यादा फेंक रहे हैं ना, इनके सामने आगे भुगतेंगी। जब पहली रसोई की बारी आएगी ना ससुराल में, तब ये महारानी मेरी बेटी अपनी भाभी को ही बुलाएगी। फिर तो अच्छी बात है, चलिए मैंने अपने पंडित जी को बुलाया है, कुछ देर में वो आएंगे और हम उनसे शादी की डेट निकलवा लेंगे। कुछ देर में माला के पंडित जी घर आते हैं और फिर वो 2 हफ्ते बाद की शादी की डेट निकलवा देते हैं।
सभी इस तारिक से राजी होकर शादी पक्की करके वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाते ही साधना निधि और स्वाति से कहती है, उनके सामने तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब बोलूंगी। स्वाति, आज तक तू किचन में घुसी है, पानी तक तो उबालने नहीं आता तुझे, और अपनी होने वाली सास के सामने ऐसे ढींगे हांक रही थी जैसे कहीं की मास्टर शेफ हो। तो और क्या बोलती माँ, और समय है ना मेरे पास, सीख लूंगी। कहाँ समय है स्वाति, 2 हफ्ते बाद शादी है। मेहमानों की लिस्ट, शादी की शॉपिंग, सारी अरेंजमेंट, इन सब के बीच तुमको कुकिंग क्लासेस कौन देगा? भाभी यार, देखा जाएगा जो भी होगा, और कौन सा मुझसे जाते ही वो पहली रसोई करवा लेंगे। अरे नई बहू को कम से कम 1-2 हफ्ते तो रसोई में कदम भी नहीं रखने देते। अब आप सब ना मुझे परेशान मत करो, मैं जा रही हूँ अपने मेहमानों की लिस्ट बनाने। स्वाति तो इतना कहकर चली जाती है, लेकिन निधि को अपनी ननद की पहली रसोई की चिंता होने लगी थी। अब ऐसे ही समय गुजरता है, दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। 1 हफ्ता तो सारी तैयारियों में ही निकल जाता है, और इस बीच स्वाति कुछ नहीं सीखती। जिस पर एक शाम जब स्वाति और निधि घर में आए ज्वेलर से गहने पसंद कर रही थी, उसी समय साधना के पास उसके समधन माला का कॉल आता है, और वो उससे बोलती है, कैसे चल रही है बहन जी शादी की तैयारियाँ? जी ठीक चल रही है, आप बताइए वहाँ सब ठीक है? जी यहाँ भी सब जोरों शोरों से चल रहा है सब कुछ। मैं कह रही थी कि मेरी होने वाली बहू को रसमलाई बनाने तो आती है ना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी पहली रसोई में रसमलाई बनवाऊं। वो क्या है ना, उसकी बुआ आई हुई है तो उसको बहुत पसंद है रसमलाई। जी जी रसमलाई, वो तो स्वाति बहुत अच्छी बनाती है। उसके हाथ की रसमलाई खाओगे तो आप दुकान से लाना छोड़ दोगे। और आप चिंता मत करो, वो अपनी पहली रसोई में सबको रसमलाई ही खिलाएगी। इतना कहकर साधना कॉल कट कर देती है, जिस पर स्वाति और निधि उसकी ये बात सुनकर बोलते हैं, माँ आपको मैं हलवाई दिखती हूँ, आपने क्यों बोला माँ जी को कि मुझे रसमलाई बनानी आती है? क्यों, जब उसने डींगे हांक रही थी तब नहीं सोचा? अब जो झूठ कर आया था फलाया है उसे खुद समेट। सीख ले सब कुछ अपनी भाभी से बनाना, और निधि अपनी ननद की पहली रसोई की सारी तैयारी करवा कर इसे ससुराल भेजियो, वरना मेरी नाक कटी अगर तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। साधना तो अपना हुक्म सुनाकर वहाँ से चली जाती है, और उसकी बात सुनकर निधि का पति पंकज, जो उसी समय बाहर से सामान लेकर आया था, उन सब की बातें सुनकर कहता है, ये बनाएगी रसमलाई? अरे उसको बस दूध में से मलाई चुरा कर खाना आता है, बनाना नहीं आता कुछ भी, बेचारा संगम। भैया कम से कम आप तो मेरा मजाक मत बनाओ, और भाभी अब आपकी ननन की पहली रसोई की इज्जत आपके हाथ में है, आपको मुझे सब सिखाना होगा। सिखाऊंगी तो तब ना जब मुझे रसोई में जाने का समय मिलेगा। इतने काम है घर में कि खुद खाना बनाने के लिए कुक रखी हुई है मैंने। शादी के दिन पास आ रहे थे, और काम के कारण निधि को अपनी ननद को सिखाने का समय ही नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही हल्दी वाले दिन सभी मेहमानों के घर पर आने के बाद काम बट गया था, जिस पर निधि स्वाति के कमरे में जाकर उससे कहती है, स्वाति अभी मेरे पास कुछ समय है, चलो रसोई में मैं तुम्हें रस मलाई बनाना सिखाती हूँ, और साथ में बनाकर भी दिखाती हूँ। भाभी अभी मेरी हल्दी है, और हल्दी से पहले मैं काम करूँ? नहीं नहीं, रसोई में मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, दाने वाने निकल गए गर्मी से तो। हाँ ठीक है ननद जी, अब अगर पहली रसोई में कोई प्रॉब्लम हुई तो खुद ही संभालना, क्योंकि आपको काम करने में आलस आता है लेकिन झूठ बोलने में नहीं, तो खुद झेलना अपने झूठ को। निधि इतना बोलकर चली जाती है। अब समय गुजरता है, और उसके साथ शादी का दिन आता है। अपनी पहली रसोई की टेंशन को भूलकर स्वाति अपनी शादी के हर एक मोमेंट को एंजॉय करती है, और धूमधाम से शादी की सारी रस्मों के बाद जब बारी विदाई की आती है, तो स्वाति के मन में अपनी पहली रसोई का ख्याल आता है, और वो विदाई के समय निधि से लिपट कर रोते हुए कहती है, भाभी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, भाभी से ज्यादा तो आप दोस्त हो मेरी, आप भी मेरे साथ चलो ना, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। कि ये क्या कह रही हो स्वाति, तुम ससुराल जा रही हो पिकनिक मनाने नहीं, और संगम है ना वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ स्वाति, और तुम्हें जब भी याद आए भाभी की तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इनसे मिलाने आ जाऊंगा। सही कहा संगम ने, अब आजा बेटी माँ से भी गले मिल ले। अब भाभी से प्यार दिखाने का क्या फायदा, जब उसने कहा था कि सीख ले खाना बनाना तब तो तेरे पैर उठाए नहीं गए, अब अपनी ननद की पहली रसोई में तेरी भाभी साथ तो जाएगी नहीं। बेचारी स्वाति,
अब उसको अपनी भाभी के बिना ही अपने ससुराल जाना पड़ता है, जहाँ उसका स्वागत करने के बाद मेहमानों से घिरी स्वाति को उसकी सास माला कहती है। बहू देख, मानती हूँ ये जल्दी है, लेकिन क्या तू तो अपनी रसोई की रस्म आज शाम को कर सकती है, क्योंकि कल आधे रिश्तेदार चले जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ जाने से पहले वो सब मेरी बहू के हाथ से कुछ मीठा खा कर जाएं। क्या माँ जी, अच्छा ठीक है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, भाभी को मैसेज कर देती हूँ। स्वाति अपनी पहली रसोई के लिए डर जाती है कि अब क्या होगा कैसे होगा। वो निधि को मैसेज तो करती है लेकिन उसका जवाब नहीं आता। शाम को स्वाति को माला रसोई में सारा सामान समझा कर रसमलाई बनाने के लिए छोड़ जाती है। वो टेंशन में अपने सर पर हाथ रख कर कहती है, हल्दी वाले दिन अच्छा खासा समय था सीखने का, लेकिन मेरे आलस ने मुझे सीखने नहीं दिया। अब भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया मेरे से, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। स्वाति अपने किए पर अफसोस कर रही थी कि तभी उसको रसोई की खिड़की पर कोई दस्तक सुनाई देती है, और जब वो खिड़की खोलती है तो सामने निधि थी, जो अपनी ननद को एक बड़ा सा डब्बा देते हुए कहती है, मैंने इसमें बहुत सारी रसमलाई बनाकर पैक कर दी है, तुम कुछ देर में सबको परोस देना। भाभी भाभी अब कितनी अच्छी है, मैं तो डर ही गई थी कि क्या करूँगी। ननद की पहली रसोई है, मेरी नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है। स्वाति अभी तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन आगे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सीख लो। अब मैं जाती हूँ, किसी ने देख लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। निधि वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में स्वाति सबको अपनी भाभी की बनाई रस मलाई परोसती है, लेकिन साथ ही वो अपनी सास को अकेले में सारा सच बताती है कि ये रस मलाई उसने नहीं बनाई। माला थोड़ा सा गुस्सा होती है, लेकिन अपनी बहू की ईमानदारी देखकर उसे माफ करती है और खुद उसको सब बनाना सिखाती है। शादी के 2 हफ्ते बाद सही मायने में स्वाति खुद से खाना बनाती है, और इस बात का पता जब निधि को चलता है तो वो बहुत खुश होती है कि आखिरकार अब उसकी ननद की पहली रसोई की रस्म सही मायने में पूरी हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।